Hello everyone, welcome to Quant Study. After the removal of Article 370, India and Pakistan ke beech mein tensions increase hone lagi. And uske baad Pakistan ke External Affairs Minister Shah Mahmood Qureshi ne visit kiya China ko. Uske kuch din baad hamare bhi External Affairs Minister ne visit kiya China ko. To is video mein hum baat karenge isi visit ke bare mein, lekin usse pehle if you are preparing for UPSC 2020 or KAS 2020, then aap hamare channel ko subscribe kar sakte hain. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिएगा। कौन सी चाइनीज कंपनी है जिसको अभी अभी यूएसए ने बैन कर दिया है? बेसिकली ये कंपनी अभी भी इंडिया में एक्टिव है, लेकिन यूएसए में इस पे जासूसी के आरोप लगने की वजह से इसे वहां पे बैन कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2019 को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट करते हैं चाइना को, और ये उनका पहला विजिट था चाइना को विदेश मंत्री बनने के बाद। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद आया था, और साथ ही साथ इसको बायलेटरल ट्रेड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। 12 अगस्त 2019 को एस जयशंकर का बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं कि दुनिया बहुत अस्थिर है और इस अस्थिर दुनिया में भारत और चाइना के रिलेशन स्थिर रहेंगे। लेकिन चाइना के कुछ बयान आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर को लेके। उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना और उनके पीछे चाइना की मानसिकता समझना बहुत ज़रूरी है। तो चाइना ने बेसिकली दो स्टेटमेंट्स इशू किए हैं। पहली स्टेटमेंट में चाइना ने ऑब्जेक्शन की है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर, और दूसरी स्टेटमेंट में चाइना ने कंसर्न शो किया है जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर। इन शॉर्ट, चाइना ने क्लियरली सपोर्ट किया है पाकिस्तान के कॉज को। लेकिन ये बात बहुत नेचुरल है, क्योंकि देखिए आपको समझना होगा, चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक कॉरिडोर में हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और अगर पाकिस्तान में और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी तो चाइना का यहाँ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम चाइना इंडिया से भी कोई बड़ा पंगा नहीं ले सकता। रीज़न इसका सिंपल सा है, ट्रेड वॉर। चाइना और यूएसए के बीच की ट्रेड वॉर और गहरा गई है। यूएसए और चाइना एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज इन नो मूड टू होल्ड बैक। लास्ट वीक यूएसए ने चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स पर 10% और टैरिफ लगा दिया ताकि चाइना के प्रोडक्ट्स थोड़े और कॉस्टली हो जाए। तो चाइना ने इसके बदले अपनी करेंसी को वीक कर दिया ताकि उनके प्रोडक्ट्स वापस इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाए। इस वजह से चाइना के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी और बहुत स्टेबल मार्केट है। लास्ट ईयर इंडिया चाइना का टोटल ट्रेड 95.5 बिलियन डॉलर था, जिसमें चाइना का शेयर 57 बिलियन डॉलर था। इसके साथ साथ इस साल एक्सपेक्टेड है कि हम दोनों देशों का ट्रेड 100 बिलियन डॉलर टच करेगा। यही एक कारण है कि चाइना सपोर्ट बेशक करे पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकता। लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री एस जयशंकर भी उन दो स्टेटमेंट्स का जवाब बखूबी देकर आए हैं। एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर इशू पर सीधा बोला कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, और लद्दाख इशू पर उन्होंने चाइना को क्लियर कर दिया कि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनने से इंडिया और चाइना के एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो से इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी आप अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे फेसबुक का पेज का लिंक शेयर किया है, आप उधर जाके हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।